Hello friends, welcome to Unacademy. How are you doing all? Hopefully your preparation is going well for the CIL exam. So आइए दोस्तों start करते हैं आज का topic, which is very interesting topic. आज जो मैंने selection किया है वो thermal के ऊपर किया है. इन बच्चों की request आ रही थी कि सर थोड़ा सा thermal के ऊपर questions बताइए. तो चलिए दोस्तों start करते हैं आज का session, which is very important for you and it will definitely help you to crack the CIL exam. तो आइए दोस्तों लेट्स क्रैक इट. नाउ दिस स्लाइड्स इज टेलिंग अबाउट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का तो आपको उसके लिए लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है. और उसके बाद अगर आप गेट या ईएस का सिलेक्शन कर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद गेट या ईएस का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. दोस्त मैंने सबके मैसेज देख लिए हैं. दिक्कत यह है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. आप लोग को मैं एक काम करता हूँ, आप मेरा जो पेज है गौरव बाबू उस पर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है. एक्चुअली कई सारे करीब 100 मैसेजेस पड़े हैं, मैंने 2-4-5 बच्चों को भेजे भी हैं, बट आई रियलाइज कि इतने सारे बच्चों को एकदम से मैं कैसे भेज पाऊंगा. दैट इज़ वाई आई थॉट कि मैं लिंक बना के अपने पेज पर डाल देता हूँ, आप उस पर वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है. करीब से 100 से ज़्यादा मैसेज कल मैंने देखे बच्चों के, कई सारे बच्चों के मैसेज आ रखे. तो बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इंडिविजुअल ईमेल आईडी को मैं बार बार उसमें डालूं, तो इट्स बेटर कि मैं क्या करूं. आप लोग सबसे पहले मैसेज गलत कर रहे हो, आप लोग मुझे मैसेंजर पर मैसेज करो, आप मेरे पेज पर मैसेज कर रहे हो, ठीक है. आप लोग पेज पर मैसेज कर रहे हो तो पेज में दिक्कत है. मैसेंजर में तो ये कि मैं पीडीएफ सेलेक्ट करके आपको एंड्रॉइड मैसेज कर दूं, बट आप लोग मैसेज कर रहे हो किस पे? पेज पे, मेरे पेज पे मैसेज करो. पेज पे मैसेज मत करो, मैसेंजर पे मैसेज करो. आप लोग मेरे पेज पे मैसेज कर रहे हो इसलिए बेटा दिक्कत हो रही है, ठीक है. मुझे तो डायम काइंडली अंडरस्टैंड दिस प्लीज. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. सो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से मैंने रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर थर्मोडायनेमिक्स पर कुछ क्वेश्चंस कराइए फॉर द सीआईएल. हाँ वही मैं सोच रहा हूँ बेटा, लिंक शेयर कर दूंगा उससे हो जाएगा. चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट गैस. बताइए दोस्तों व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द परफेक्ट गैस. प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ऑल ऑफ द अबव, एटॉमिक मास. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डी 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 डी. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. बहुत बढ़िया शाबाश. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट अपन निपटाते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लूंगा मैं आपका. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अज्यूम्स दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर. जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर. हाँ भाई करंट अफेयर बहुत है, बस 2 महीने का मैंने करा दिया, बाकी 1-2 महीने का आप अपने से पढ़ लो. दोस्तों एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुन लो, ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इनको गॉट के पी जाइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है. काफ़ी सारे थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज अज्यूम्स दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली इनइलास्टिक. जल्दी बताइए. यस many people are saying A and A is the right answer my dear friends. So जो collision होता है वो perfectly elastic होता है, ठीक है. दो molecules टकराते हैं, टकराने के बाद अपनी original initial position में आ जाते हैं, ठीक है. तो जो collision होता है वो perfectly elastic होता है. चलिए next question please. Kinetic energy of the molecule in terms of absolute temperature is proportional to.
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू। मिले जुले आंसर आ रहे हैं, कोई ए बोल रहा है, कोई बी, कोई सी, कोई डी। यस नाउ अब आंसर आया योग्यता ए पीयूष बिष्ट ए ए ए ए यस द राइट आंसर इज ए। बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर टी का फंक्शन होती है, ठीक है, माइंड इट प्लीज। तो व्हाट इज आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल अकर एट सी लेवल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ द सिस्टम विल बिकम जीरो अंडर द वैक्यूम कंडीशन एट अ टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल अकर, मुदित दायमा सेइंग सी, मंजेश तिवारी सेइंग ए, अक्षय गौर सी सी सी। चलिए यस पता ही होगा आप लोगों को ये। योग्यता सवाल इज सेइंग ई नो। यस द राइट आंसर इज सी। काफी लोगों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्टेंस लाइक प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी इन थर्मोडाइनमिक कोऑर्डिनेट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्टेंस लाइक प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी इन थर्मोडाइनमिक कोऑर्डिनेट्स आर पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, साइक्लिक फंक्शन, रियल फंक्शन, थर्मोडाइनमिक फंक्शन, बताइए। बिल्कुल ठीक, इसका जो आंसर है दैट इज बी पॉइंट फंक्शन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सारे लोग ठीक है। दोस्तों प्लीज सी केयरफुली, सीआईएल का जो एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन टेक्निकल में आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन ही नॉन टेक में आने वाले हैं। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आपके पास 180 मिनट, 180 मिनट्स है 200 क्वेश्चन को करने के लिए। कैन यू इमेजिन कि आपके पास पर क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं है, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन करने हैं 180 मिनट में, मतलब आपको पर क्वेश्चन कितना समय मिलेगा, 1 मिनट से भी कम। इसलिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को प्लीज समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा होती है इस तरह के पेपर में। नहीं, सीएल के पेपर पांच पांच ऑप्शन नहीं होंगे, वहां पर 4 ही होंगे, ठीक है। मैंने एक्चुअली जहाँ से क्वेश्चन निकाले हैं तो उसको समझिए आप, मैंने बहुत सारी जगह से क्वेश्चंस को फाइंड किया और आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन जो आ सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो यार मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ऑन वेट बेसिस एयर कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। एयर में वेट बेसिस पे कितना कंटेंट होता है एयर का, ऑक्सीजन का, सॉरी। ए बी। बेटा वेट बेसिस में पूछ रहा है वो, माइंड इट प्लीज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। बेटा वॉल्यूम बेसिस नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, वेट बेसिस। वेट बेसिस पे कितना पार्ट होता है एयर में ऑक्सीजन का,
यस, अब आंसर सही आ रहा है. नाउ द आंसर इज 23. ठीक है, 23% ऑन द वेट बेसिस, माइंड इट प्लीज. ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. वर्क डन इज जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस. किस प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा? ओके, यस, यू ऑल आर सेइंग डी. बिल्कुल ठीक. कांस्टेंट वॉल्यूम में भी वर्क डन जीरो होता है, फ्री एक्सपेंशन में भी वर्क डन जीरो होता है, थ्रोटलिंग में भी वर्क डन जीरो होता है. तो व्हाट इज आंसर? डी. तो 7 का आंसर हो जाएगा डी. चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पीएसयू इसको पूछ लेते हैं. भाई अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस? यस बिल्कुल ठीक, एंथैल्पी. बहुत बढ़िया, सबका आंसर ठीक है. नेक्स्ट प्लीज. द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज टू. द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज टू. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का. बेटा जिसको भी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मुझे मैसेंजर पर मैसेज करे, मेरे पेज पर मैसेज मत करिए. आप लोग पेज पर मैसेज कर रहे हो तो मैं उसमें रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, पेज पर मैसेज कर रहे हो तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ. आपको कोई भी कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे FB मैसेंजर पर मैसेज करिए, ना कि पेज पर. मुदित डायमा √3 RT, ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. वेट बेसिस में 23% कैसे आया? 21 आना चाहिए ना भाई. तो मैं एक्सप्लेनेशन सेंड करूंगा अभी, ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग दिस लेक्चर. ये बेटा एक वॉल्यूम बेस होता है, एक वेट बेस होता है. ठीक है, दो बेसिस से हम लोग चीजों को फाइंड आउट करते हैं. ठीक, तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको मैसेज करूंगा, लेकिन आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज करेंगे, ना कि FB पे. FB पे आप लोग पेज पे मैसेज करो तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से. द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज टू. डी. यस, ज्यादातर बच्चों का आंसर डी है. यस, विच इज द राइट आंसर, डिक्रीज द लोअर टेम्परेचर. बिल्कुल ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. द मेजरमेंट ऑफ कंप्रेसर इज बेस्ड ऑन, सबको पता होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन एग्जैक्टली जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सबको पता है, पढ़ते आ रहे हैं आप लोग पूरे मैकेनिकल में. चलिए नेक्स्ट प्लीज. अ हीट इंजन सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 3000 जूल पर सेकेंड, 30,000 जूल पर सेकेंड एंड गिव्स एंड आउटपुट ऑफ 9 kW. व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन? थर्मल एफिशिएंसी आपको बतानी है.
What is the thermal efficiency of the engine? Chahal Sharma saying 30%. Okay. अच्छा बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा. व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या है? कितना वर्क डन हुआ और हीट सप्लाई हमने कितनी करी. वर्क डन हो रहा है 9000 किलोवाट, मतलब 9000 वाट जूल पर सेकंड बोल सकते हैं इसको हम. और हीट कितनी आ रही है? एक दो तीन, इसको सॉल्व कर लीजिए. परसेंटेज पूछ रहे हैं, 200 कर दीजिए कितना आ जाएगा दोस्तों. एक जीरो देख लीजिए क्या, 93. तो 30%, 30% इज द आंसर. तो व्हाट इज द आंसर? ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टीम फ्लो थ्रू नोजल इज कंसीडर्ड एज, स्टीम फ्लो थ्रू नोजल इज कंसीडर्ड एज. नोजल से जब स्टीम फ्लो करती है तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, कौन सा फ्लो कहलाता है? कांस्टेंट फ्लो, आइसोथर्मल फ्लो, एडियाबेटिक फ्लो, कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो, कांस्टेंट प्रेशर फ्लो. बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल ठीक. सी इज द राइट आंसर, इज दैट एडियाबेटिक फ्लो. नाउ बैरोमेट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू, बैरोमीटर क्या करता है? यस, बैरोमीटर क्या करता है पहले बताइए मुझे. व्हाट इज द वर्क ऑफ द बैरोमीटर? बैरोमीटर किसका प्रेशर मेजर करता है? बैरोमीटर मेजर द प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर, एटमोस्फेरिक एयर का प्रेशर वो मेजर करता है. ठीक है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज अ बैरोमीटर. तो कितना होता है दोस्तों? 760 mm ऑफ Hg. तो ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन प्लीज याद कर लीजिए, ऐसे चवन्नी भर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको एक मिनट भी नहीं मिलने वाला. ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, बिल्कुल ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 14. ये भी आपको पता होगा, परपेचुअल मोशन मशीन इज, परपेचुअल मोशन मशीन इज डी 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 डी. इस क्वेश्चन में तो आपने डिसअपॉइंट कर दिया मुझे. अ परपेचुअल मोशन मशीन इज अ हाइपोथेटिकल मशीन हुज ऑपरेशन वुड वायलेट्स द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ऐसी मशीन जो थर्मोडायनेमिक लॉज का पालन नहीं करती हैं उनको कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल एज वी नो दैट कि हीट हमेशा फ्लो करेगी कहाँ से कहाँ, हायर टेम्परेचर टू लोअर. ठीक, हम जानते हैं चीज़ कि हायर से लोअर की तरफ वो फ्लो करती है. तो इसका, और अगर हम ऐसा बोलें कि हमें ऐसी मशीन बनाएंगे जो उल्टा काम करे, तो मतलब ऐसी मशीन को बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रही. तो जो मशीन थर्मोडायनेमिक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी वो कहलाती है परपेचुअल मोशन मशीन. ठीक है, तो हेयर द आंसर इज डी. ठीक, ए बी सी डी. यस सॉरी, मुझे लगा चार ही ऑप्शन है इसलिए मैं सोच रहा था डी, आपने शायद गलत बोला. सॉरी, सबका आंसर ठीक है, डी 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 डी. यस बिल्कुल ठीक. तो व्हाट इज द आंसर? डी, अ हाइपोथेटिकल मशीन वाज ऑपरेशन वुड वायलेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जल्दी से बताइए, थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन. नया ठाकुर PMM1 और PM2 बता दीजिए. बेटा अभी क्वेश्चन पढ़ते जाइए, सारे का सारा का एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगा. किस पे? आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन मैसेंजर पे, माइंडेड प्लीज.
दोस्तों वीकेंड में मेरी क्लास जल्दी रहती है, जैसे वीकेंड अभी चल रहा है सैटरडे संडे, वीकेंड पर क्लास आप देख पा रहे हैं कि 7 बजे चालू हो रही है, वहीं रेगुलर डेज में चलती है मंडे टू फ्राइडे 9 PM। तो दोस्तों थोड़ा सा वीकेंड में मैं बाहर जाता हूँ, एक्चुअली मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ वीकेंड के टाइम पे, इसलिए टाइम नहीं दे पाता हूँ। ठीक, इसीलिए आप देख भी पा रहे हैं कि वीकेंड में मेरी 7 PM पर क्लास हो रही है, कल भी हुई थी आज भी हुई, और मंडे टू फ्राइडे 9 PM पर रहती है जो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो इस टाइम को थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, गौरव बाबू नाम से बेटा, गौरव बाबू जो मेरा पेज है वही मेरी आईडी भी है, उसी से आईडी भी है। तो आप मुझे वहाँ पे मैसेंजर पे मैसेज करें प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू मैसेंजर पे मैसेज करें, ना कि पेज पे। FB पेज पे आप लोग मैसेज कर रहे हो तो पेज पे मैसेज करने से क्या होता है, वहाँ फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैसेंजर पे क्या है कि मैं आपको PDF भी वहीं एंड टू एंड सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। एनीवेज, तो थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन, थर्मल पावर प्लांट किस पर काम करता है, रैंकिन साइकिल पे जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो द आंसर ऑफ द 15 क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट प्लीज, 16 का आंसर बताएंगे। बिल्कुल ठीक, अ सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट इज इन, तीन तरह से थर्मली इक्वल होना चाहिए। क्या 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 होना चाहिए, थर्मली इक्वल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और केमिकली इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। ये चीजें उसके संग है तभी वो कहलाता है क्या, एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मो हेलो फ्रेंड्स, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16, रिमशा नाज, इट इज फॉर ऑल। एक्चुअली पावर कट हो गया था, आ गया है, परेशान मत होइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, जब ये तीनों चीज होंगी तब जाके हमारा एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा। चलिए एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज अ पॉइंट एट विच, जल्दी से बताइए, 54 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बहुत बढ़िया, सबको पता है ये, दैट इज आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस ऑन PV डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस ऑन PV डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देंगे। PV डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट कैसा दिखाई देता है, वेणु माधव से लाइन, रितेश झा सेइंग बी, आशुतोष शर्मा सेइंग ए पॉइंट, ओके, कुंदन यादव सेइंग बी, रितेश झा सेइंग बी। दोस्तों ट्रिपल पॉइंट PV डायग्राम में दिखाई देता है एक लाइन की तरह, ठीक है, तो आंसर इज बी, वहीं ये TS डायग्राम में दिखाई देता है पॉइंट की तरह। ठीक है, तो हेयर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18 इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्लीज, द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग 2
मतलब सी ऑप्शन, चार शर्मा यू आर सेइंग हाफ इज द रॉन्ग आंसर, बजरंगी कुमार इज सेइंग हाफ इज द रॉन्ग आंसर, तो हेयर द आंसर इज सी। ठीक है, द वर्किंग साइकिल कोर पोर्शन कंप्लीट इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, दूसरे रेवोल्यूशन में कंप्लीट होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन 20, इन डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, इन डीजल इंजन फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। स्पार्क से, इंजेक्टेड फ्यूल से, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फ्रॉम कंबशन इग्निटर से, या कंबशन चैम्बर से। हम फ्यूल को कैसे इग्नाइट करते हैं, स्पार्क लगाते हैं या इन फ्यूल इंजेक्टर से करते हैं, इंजेक्टेड फ्यूल। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सी 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 सी, यस विच इज द राइट आंसर सी। बेटा बी वाले गलत हैं, कोई नहीं, चार सर मच दोगे। द आंसर इज सी, इन डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फ्रॉम द कंबशन। तो इसका आंसर है कुंदन यादव नो। क्वेश्चन को समझिए, बोला हीट कैसे, मतलब फ्यूल कैसे बर्न होता है, कैसे जलता है। इंजेक्टेड फ्यूल तो इंजेक्टर से निकल के आ जाएगा, वो जलेगा कैसे। तो हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर, कंप्रेशन से हम क्या करते हैं, जब एयर को कंप्रेस करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उससे फिर जो जैसे उसके ऊपर फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल की फुहार छोड़ता है, या मैं बोलूँ उसको एक तरह से एटोमाइज करता है, वहीं से क्या होता है, एयर हमारी बर्न होती है। नेक्स्ट प्लीज, 21, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिवन कंप्रेशन रेशियो के लिए एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल क्या होती है। कुंदन यादव नो, इट इज नॉट फॉर सिविल इंजीनियर्स, इट इज फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। 21 का आंसर बताइए, ज्यादा होती है कि कम होती है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद होने चाहिए, मुंह पर रटके होने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन चवन्नी भर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो हेयर द आंसर इज सी, मोर होती है दोस्तों। ठीक है, सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए ज्यादा होती है। प्रदीप दर्श माइंडेड प्लीज, आप सबने मुझे मेरे FB पेज पे मैसेज किया है, FB पेज पे। अब वहाँ करीब 100 से ज़्यादा मैसेज लोगों के आ रखे हैं, अब मैं कैसे वहाँ रिप्लाई करूँ। आप लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज करिए, तो मैसेंजर पे क्या, मैं डायरेक्टली PDF उठा के मैसेज कर दूंगा, या फिर मैं पेज पर लिंक डाल देता हूँ, आप गूगल ड्राइव से सेव कर लीजिएगा। पेज पर मैसेज मत करो, मैसेंजर पर करो, तो मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय, पता होगी सबको, जल्दी बताइए फटाफट से। रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, चवन्नी भर के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। मैसेंजर पे किए हो तो फिर बेटा भेज दूंगा, अभी कल काफी सारे बच्चों के मैसेज आए थे तो पॉसिबल नहीं था सारे लोगों को मैसेज एक साथ करना। अनिल भोए सर, प्रोडक्शन करवा दीजिए बेटा, बस CIL के बाद प्रोडक्शन ही और सोम दोनों चीजें चालू होंगी एक साथ, टेंशन ना लीजिए। कार्बोरेटर बिल्कुल ठीक, सबको पता है इसका आंसर। चलिए तो 22 का आंसर हो गया डी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, पिस्टन रिंग्स आर प्लेस्ड विथ क्रोमियम कैडमियम एंड फॉस्फेट इन ऑर्डर टू, पिस्टन रिंग्स आर प्लेटेड विथ क्रोमियम कैडमियम और फॉस्फेट इन ऑर्डर टू। ठीक है चाहत भाई, बिल्कुल ठीक, इसका आंसर बताइए। पिस्टन रिंग्स में क्रोमियम या कैडमियम और फॉस्फेट की प्लेटिंग क्यों की जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग डी डी डी, बिल्कुल ठीक, रिड्यूस द वियर, यस एंड एलिमिनेट द स्कफिंग। स्कफिंग का मतलब एक तरह से खुरचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज,
टॉप पिस्टन रिंग नियर टू द पिस्टन क्राउन इज नोन एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताइए। आपने देखा होगा जो पिस्टन रिंग्स होती हैं वो एक से ज्यादा होती हैं, तो जो टॉप वाली रिंग होती है वो किस काम में आती है, उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू राहुल भाई। द टॉप पिस्टन रिंग नियरर टू द पिस्टन क्राउन इज नोन एज, इसका आंसर बताइए। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कंप्रेशन रिंग, विच इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक, पहली जो रिंग होती है वो कंप्रेशन रिंग का काम करती है। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं प्लीज इनको रट मारिए, घोंट मारिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द न्यूक्लियर एनर्जी इज मेजर्ड एज, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो उसमें हम एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, किन टर्म्स में न्यूक्लियर एनर्जी को मेजर किया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं, किन टर्म्स में मेजर करते हैं? MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यूरी में मेजर करते हैं, फैरड में मेजर करते हैं, मेगा वाट में मेजर करते हैं, या फिर मेजर करते हैं किलोवाट आवर में, इसका आंसर बताइए फटाफट से। द न्यूक्लियर एनर्जी मेजर्ड एज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यूरी, फैरेड, मेगावाट और किलोवाट आवर। क्यूरी, डी ए ए, मेगावाट, क्यूरी, क्यूरी। ओके, लिसन केयरफुली, जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात होती है तो दोस्तों जो एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में करते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, MeV न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बात होगी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। ठीक है, तो यार द आंसर इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहो तो इसे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये बताइए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? बेटा टॉम में लिंकेज विंकेज देख लो। ठीक है, बाकी चलो मैं टॉम को कंसीडर करता हूँ एक दो दिन में। 1.6 × 10⁻¹⁹ और 10⁻¹⁹। यस, बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ आर सेइंग, बिल्कुल ठीक। तो देखिए दोस्तों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप चाहो तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब मेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁶ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹, और ये किस में हो गया, कूलम्स में हो गया। ठीक है, ये कूलम्स हो गया, इंटू वोल्ट और बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹ और × 10⁶ है तो ये बचेगा −13। ठीक है, 19 में से 6 चले जाएंगे तो 13 बचेगा। ठीक, तो ये 13 बचेगा यहां पे। अब कूलम को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर इंटू सेकेंड, अब इंटू वीवी का मतलब वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों अब एम्पियर इंटू वोल्ट, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, वी क्या होता है वोल्ट और आई क्या होता है एम्पियर, तो इससे यूनिट क्या बनती है, जूल पर सेकंड, दैट इज अ वॉट। ठीक,
तो यानी कि अगर मैं एम्पियर और वोल्ट को मिला दूं तो क्या बनेगा, जूल पर सेकंड बनेगा, यानी कि आंसर आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। अब एम्पियर और वोल्ट को मिला देंगे तो क्या बनेगा, जूल पर सेकंड, और एक सेकंड यहाँ पहले से है तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, क्या आ गया, जूल, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल्स। ठीक है, ये MeV की वैल्यू हो गई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट, एज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट, कहां पे हमने इसको बनाया था फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सारे लोग। कुणाल घोष सिंह सी, आकाश ग्वाले सी, सी कलपक्कम, ओके, अंकित शर्मा सिंह सी, ओके, तारापुर तारापुर तारापुर, यस यू ऑल पीपल आर राइट, दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज माइंड इट, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इसको। जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में लगा था वो कहाँ पर था, तारापुर। ठीक है, बिल्कुल ठीक, कलपक्कम इज द रॉन्ग आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, जल्दी से आंसर बताइए, इनमें से हैवीएस्ट कौन सा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। कौन सा सबसे हैवी है इनमें से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। भाई बिल्कुल, हर्षित राज हरीश राज सिंह ए, दोस्तों एटम के अंदर सब कुछ होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे भारी कौन हो गया, सबसे भारी हो गया एटम। ठीक, तो एटम इज द हैवीएस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 25 cc इंजन हैज द फॉलोइंग पैरामीटर, S75, एक किसी इंजन को 55 cc का इंजन बोला जाता है तो उसमें सॉरी, एक किसी इंजन को 75 cc का इंजन अगर बोला जा रहा है तो उसमें 75 cc का मतलब क्या है, फटाफट से रिप्लाई करेंगे। कौन सा वॉल्यूम होता है वो, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ल्यूब ऑयल कैपेसिटी, स्वेप्ट वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस स्वेप्ट वॉल्यूम, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इंजन पिस्टन्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय बिकॉज इट इज, पिस्टन्स को हम एल्यूमिनियम का क्यों बनाते हैं, यस स्वेप्ट वॉल्यूम राइट आंसर आप सभी का, पिस्टन्स को हम एल्यूमिनियम का क्यों बनाते हैं। डज नॉट रिएक्ट विथ फ्यूल एंड ल्यूब ऑयल, ओके, इसके अलावा चार शर्मा सिंह ई, ओके, चार शर्मा सर, एक बार रिंका सिक्वेंस बता दीजिए। एक काम करिए दोस्त, मैं आपको अभी PDF भेज दूंगा, उसमें पूरा पिस्टन सिलेंडर के बारे में उसको पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, सारा सिक्वेंस समझ में आ जाएगा। बाकी व्हाट इज द आंसर ऑफ द 29th क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग ई डज नॉट रिएक्ट विद फ्यूल एंड ल्यूब ऑयल, बट इट इज द रॉन्ग आंसर अनफॉर्चुनेटली, द राइट आंसर इज, इट इज लाइटर, क्योंकि दोस्तों पिस्टन जितना लाइट होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 30 क्वेश्चन,
कोकरन बॉयलर इज, कोकरन बॉयलर कौन सा है? हॉरिजॉन्टल फाइव ट्यूब बॉयलर, हॉरिजॉन्टल वाटर ट्यूब बॉयलर, वर्टिकल वाटर ट्यूब बॉयलर, वर्टिकल फाइव ट्यूब बॉयलर, फोर्स्ड सर्कुलर बॉयलर, बताइए 30 का आंसर। सोनू कुमार सिंह डी, कुणाल घोष सिंह डी, बजरंगी कुमार डी, अजय बोए डी। यस, पढ़ा ही होगा आप सभी ने ये। यस माय डियर फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज डी, बिल्कुल ठीक। कोकरन बॉयलर जो होता है वो वर्टिकल फाइव ट्यूब बॉयलर होता है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट प्लीज। लैंकशायर बॉयलर इज, जल्दी से आंसर करिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको पीएसयू के एग्जाम में, और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 31 का आंसर बताइए, लैंकशायर बॉयलर इज, 31 का आंसर। बेटा लैंकशायर बॉयलर के बारे में पूछ रहा है, कंफ्यूजन में है इस वाले क्वेश्चन में बच्चे, कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। यस, इसका जो आंसर है दैट इज ए, स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, लैंकशायर जो बॉयलर होता है वो फायर ट्यूब बॉयलर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्लीज। स्टीम इंजन ऑपरेट्स ऑन, स्टीम इंजन ऑपरेट्स ऑन, स्टीम इंजन किस साइकिल पे काम करता है? स्टीम इंजन ऑपरेट्स ऑन, कार्नोट साइकिल, जूल साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, ब्रिटन साइकिल, नन ऑफ अबव। कार्नोट इंजन किस साइकिल पे, सॉरी स्टीम इंजन किस साइकिल पे वर्क करता है? वीरेंद्र पाल सिंह ब्रिटन, सूरज गागरे सिंह रैंकाइन साइकिल। दोस्तों रैंकाइन इसमें दिख रही नहीं किसी को, स्टीम इंजन वर्क करता है रैंकाइन साइकिल पर, रैंकाइन साइकिल इसमें नहीं है कहीं भी ऑप्शन में। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ई। ठीक है, रिमशा नाथ बिल्कुल ठीक, अंकित शर्मा बिल्कुल ठीक, कुणाल घोष सिंह सी बिल्कुल ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, नाउ आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों? CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों कोल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोल के बारे में और माइनिंग के बारे में। ठीक है, अगर कोल के बारे में यहां नहीं पूछेगा मान लो एग्जाम में, तो इंटरव्यू में जरूर पूछेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस कोल की होती है? क्या बात है भाई, खेल गए सारे के सारे। मयूर शैल के सेइंग है, एवरी वन इज सेइंग ए, दैट इज द एंथ्रासाइट। ओके, हु एल्स, और किसी को भी आंसर? बहुत बढ़िया, सबके आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, एंथ्रासाइट। तो बेटा कोल इंडिया पेपर दे रहे हो उसको याद कर लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है एंथ्रासाइट की। चलिए नेक्स्ट प्लीज। पिक अप रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डिजायर प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल, पिक अप रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आ गुड फ्यूल। एक गुड फ्यूल की प्रॉपर्टीज में से कौन सा नहीं होना चाहिए, तो आपको इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है 34 में से, 34 वाले क्वेश्चन में से।
कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रोड्यूस मिनिमम स्मोक एंड गैसेस, बिल्कुल सही बात है। ईजी इन स्टोरिंग, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिकल होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है दोस्तों? डी। ये एक सही प्रॉपर्टी नहीं है किसकी? एक गुड फ्यूल की। तो डी इज द राइट आंसर। सबका आंसर ठीक है। रिमचा नाज, आशुतोष शर्मा, अनिल भोए, सोनू कुमार, सबका आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सल्फर इन कोल रिजल्ट्स इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल इंडिया का पेपर देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के जाएंगे आप। सल्फर इन कोल रिजल्ट्स इन, सल्फर इन कोल रिजल्ट्स इन, क्या बात है यार, पढ़ के बैठे हुए आप सारे के सारे। क्या बात है, सारे के सारे ई पे क्लिक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, राइट आंसर है। ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। केकिंग कोल्स आर दोज विच, इस क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केकिंग कोल्स आर दोज विच फॉर्म्स ह्यूम्स एंड मास ऑफ कोक, बर्न फ्रीली, स्लो लिटल एंड नो फ्यूजिंग एक्शन, बर्न कंप्लीटली, डू नॉट फॉर्म एश। मयूर सलके सिंह ए, अंकित लखेरा सिंह ए, चाह शर्मा सिंह सी। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा सा बता दूँ, याद कर लीजिएगा या क्रैम कर लो। केकिंग कोल्स वो होते हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं, या एक तरह से मासेस ऑफ कोक, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए, सोनू कुमार का आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन कोल इन ऑर्डर टू बर्न मस्ट बी, ग्रीन कोक इन ऑर्डर टू बर्न मस्ट बी, क्वेश्चन नंबर 37। एक बात बताइए, आप लोग पीडीएफ के पीछे क्यों पड़े रहते हैं सारे के सारे? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको रिकॉर्ड भी हो जाएगा, आप उसको कई बार देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एनीवेज मैं लिंक शेयर कर दूंगा, बाकी आप प्लीज मुझे मैसेंजर में मैसेज करेंगे, मेरे पेज पे मैसेज नहीं करेंगे, वहां पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए 37 का आंसर बताइए फटाफट से। ग्रीन कोल इन ऑर्डर टू बी बर्न मस्ट बी हीटेड सफिशियंटली, भाई कोल को जलाना है तो क्या करेंगे उसे, इसको इग्निशन पॉइंट तक ले जाएंगे। तो व्हाट इज द ऑप्शन? सी, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। कोई भी चीज कब बर्न होगी? जब उसके इग्निशन पॉइंट तक पहुंचेगी। तो व्हाट इज द आंसर? सी, ए बी सी, पता नहीं क्या क्या आंसर कर रहे हो आप लोग। व्हाट इज द आंसर? सी, कोई भी चीज है कब जलेगी? हीटेड सफिशियंटली, कोई चीज कब जलेगी? जब उसको इग्निशन पॉइंट तक पहुंचेगी। व्हाट इज द आंसर? सी, कमाल कर रहे हो। चलिए एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनेस ऑफ वाटर रेफर्स टू, वाटर की हार्डनेस कैसे हम मेजर करते हैं या उसकी क्या डेफिनेशन है? हार्डनेस को ऑफ वाटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38।
मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग ए, समवन सेइंग ई, डी. ओके बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो उसकी प्रेजेंस ऑफ स्केल फॉर्मिंग कैल्शियम और द मैग्नीशियम सॉल्ट. ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल जंक्शन टर्बाइन इज. टर्बाइन के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, इनको प्लीज पढ़ लीजिएगा. कुछ नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो मे बी आपने वैसे तो पढ़े होंगे, नो डाउट, अच्छे से पढ़ाई की है. तो कुछ टर्बाइन्स के बारे में बता रहा हूँ, इनको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा. ठीक है, तो 39 का आंसर बताएंगे फटाफट से. नाम नहीं सुना. कोई नहीं, काफी तरह की टर्बाइन होती है, उनको प्लीज आप देख लेंगे. स्टीम टर्बाइन है ये. ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज अ इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन. ठीक है, इसको याद कर लीजिए, क्रैम कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए प्लीज. इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन, सूरज गागरे का आंसर, बिल्कुल ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डी लेवल टर्बाइन इज, बेटा इसीलिए कह रहा हूँ कहाँ से नाम सुना है, इनको पढ़ लो, इसलिए बोल रहा हूँ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये नाम नहीं सुने इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ दौड़ते रह जाओगे सर कहाँ से आ गया क्वेश्चन. डी लेवल टर्बाइन इज, इसका आंसर बताइए. ये आपकी सारी स्टीम टर्बाइन्स हैं. ठीक है, डा लवल टर्बाइन इज, योगिता असवाल सिंह सी, जिब्रान खान सिंह सी, अंकित लखेरा सिंह बी. ओके, हु एल्स, और किधर कोई आंसर. विकास कुमार सिंह भी. दोस्तों यस, लिसन केयरफुली, जो डी लेवल टर्बाइन होती है वो होती है सिंपल इम्पल्स टर्बाइन. ठीक है, नो नॉट वेलोसिटी कंपाउंडेड, इट इज अ इम्पल्स टर्बाइन. ठीक है, इट इज अ इम्पल्स टर्बाइन, इंपॉर्टेंट है, अगेन माइंड इट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज, रेट्यू टर्बाइन इज, ये तो पता ही होगा, इसका नाम सुना होगा आप सबने, है ना. इसका बताइए क्या आंसर है. चार शर्मा सेन, प्रेशर कंपाउंडेड, यस पता है इसको, ये सुनी होगी, कर्टिस सुनी होगी, रेटो सुनी होगी, ये सारी आपने सुनी होंगी. कर्टिस कौन सी होती है, कर्टिस टर्बाइन की बात करूं तो वो वेलोसिटी कंपाउंडेड होती है. ठीक है, और जो रेटो टर्बाइन होती है दिस इज द प्रेशर कंपाउंडेड, बिल्कुल ठीक. तो हेयर द आंसर इज प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन. ठीक यस, और जो कर्टिस होती है वेलोसिटी होती है, बिल्कुल ठीक. शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. तो ये तीनों जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज पढ़ लीजिए. ठीक है, दैट इज 39, 40 एंड 41. और इसके अलावा कर्टिस टर्बाइन आप लोग जानते हैं, कर्टिस टर्बाइन क्या होती है, वेलोसिटी कंपाउंडेड होती है. ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है, 1 घंटा हो चुका है. कल मैं देखता हूँ कौन सा टॉपिक उठाऊंगा, रहेगा टेक्निकली इसी तरह के चवन्नी भर के क्वेश्चन रहेंगे, तो वो सेलेक्ट करता हूँ कुछ. और दोस्तों एज यू कैन सी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आज मैंने उठाए सारे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज़ इनको इसलिए ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है,
1 घंटा हमारा हो चुका है, मुलाकात होगी कल नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और कल की टाइमिंग रहेगी शाम को 9 बजे से, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 9, और इसके अलावा सैटरडे संडे को 7 PM, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज करिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो FB पेज पर मैसेज मत करिएगा प्लीज़, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक। जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए टेक्निकल वाले, जो मैंने सॉन्ग और प्रोडक्शन पढ़ाया है, और आपको अगर वो अच्छे लगते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप ज्वाइनिंग के टाइम पे मेरा कोड डाल सकते हैं GPS Live, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। बाकी जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, गुड नाइट।